हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है सुरेखास इजी रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना वड़ा। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं, तो आप ये वीडियो पूरी देखिए। तो शुरू करते हैं। ये हमने 400 ग्राम साबूदाना लिया है। इसको आपको अच्छे से साफ़ करके 3 घंटे तक भिगो के रखना है। 3 उबले हुए आलू उबालने के बाद इसके ऊपर का छिलका निकाल दीजिए। हरी मिर्च बारीक पिसी हुई 4, मूंगफली को भूनकर मिक्सर में बारीक कर लेना है आधी कटोरी। एकदम बारीक कटा हुआ अदरक, जीरा 1 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक। अब थाली लीजिए, उसमें ये 400 ग्राम साबूदाना डाल दीजिए। अब आलू को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए। अब इसमें आधी कटोरी मूंगफली डाल दीजिए। बारीक काट के पिसा हुआ अदरक, एक चम्मच जीरा, हरी मिर्ची की पेस्ट। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्ची डाल सकते हैं। तीखा नहीं पसंद है तो आप थोड़ी सी भी मिर्ची डाल सकते हैं इसमें। और अब लास्ट में स्वाद अनुसार नमक। अब सब इंग्रेडिएंट मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें। अब अपने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करके डो बना लीजिए। अब गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दीजिए। अब ये मिश्रण को आपको थोड़ा हाथ में लेना है और इसका गोल बनाना है इस तरह से। एकदम गोल वड़ा बनाना है। और अगर ये मिश्रण आपके हाथों में थोड़ा चिपक जाए तो आप थोड़ा सा हाथों पे तेल लगा लीजिए और फिर वड़ा बना दीजिए। इसी तरह से आपको सारे वड़े बना लेने हैं। अब हम चेक करेंगे तेल गर्म हुआ है कि नहीं। उसके लिए वो मिश्रण का थोड़ा सा गोल इसमें डाल दीजिए। तेल गर्म हो चुका है तो हमने जो वड़े बनाए हैं वो इस तेल में डाल देंगे। हमें इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अच्छे से पलटी करते हुए इसे हमें पका लेना है।
ये देखिए हमारे साबूदाना वड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये पक चुके हैं, तो हम इसे प्लेट में निकाल सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी दिख रहा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी, और बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से कभी भी बना सकते हैं। अब हम साबूदाना वड़ा को खाएंगे दही के साथ। उसके लिए हमें चाहिए दही, आपको जितनी दही चाहिए आप उतनी ले लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब आपको इसमें शक्कर डालनी है, आपको जितना मीठा पसंद है आप उतनी शक्कर इसमें डाल दीजिए और फिर अच्छे से मिक्स करें। और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि ये थोड़ा सा स्वादिष्ट लगे। अब आप इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दीजिए, इससे स्वाद आ जाता है बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इस तरह से। तो हमारा दही तैयार है, अब साबूदाना वड़ा दही के साथ खाने के लिए रेडी है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है, आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हम ऐसे ही टेस्टी और इजी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।